यहाँ पर हम याती सैड में पहुँच गए हैं। ग्राम पंचायत ये भेड़गांव और राजस्व ग्राम है नौसीन, जहाँ पर हमने इधर से जाएंगे ऊपर नौसीन गांव में। और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी आज खड़ी कर दी है। फिर से एक बार नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले ब्लॉग में आपने इसी का ही ग्राम पंचायत का दूसरा गांव देखा था, और अब हम जा रहे हैं नौसीन में। तो चलो चलते हैं नौसीन में, और यहाँ का भी आपको बताएंगे कि क्या क्या है और कैसे कैसे लोग हैं और जल जीवन मिशन में क्या यहाँ पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गांव में। पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया था, मेरे साथ सुयाल जी भी हैं। वो दरअसल पैदल वाले रास्ते से आ रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। तो मैंने कहा सुयाल जी मैं बाइक लेके मैं चलता हूँ, दूसरे रास्ते से आया हूँ, और वो पैदल वाले रास्ते से आ रहे हैं। इसमें हार्डनेस होगी तो ठीक है नहीं, और कुछ मात्रा में हार्डनेस तो होती है पहाड़ों के पानी में, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हार्डनेस होगी वो हमारा जो है खाना नहीं पचा पाएगा, पेट दिन भर क्या रहेगा, भारी भारी रहेगा। ठीक है, डाल दिया मैडम जी, आगे पढ़ो। इसमें बोतल नंबर H1 के दर्व के 3-4 बूंदे डाले और धीरे से हिलाकर भरी भांति से मिला ले इसे समय। बस भाई इतना इतना H1 ये खिलाई को ढूंढो, H1 H1 ढूंढो। साथियों अब हम नीचे आ गए हैं, वो ऊपर नौसिन गांव है। तो वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मामला थोड़ा गर्म हो गया था। इसको गर्म भी नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा हम अच्छे मायनों के लिए थोड़ा सा गर्म हो गया था। हुआ ये था कि वहाँ पर जो लोग हैं ग्रामवासी हैं, उनको अभी तक जल जीवन मिशन की कोई भी रूपरेखा नहीं बताई गई थी, और किस तरीके से काम होगा जल निगम, ये किस तरीके से काम होगा हमारा जल जीवन मिशन का, चाहे पहले फेज़ का काम हो, दूसरे और तीसरे फेज़ का काम हो, किस तरीके से होगा और कौन लोग इसमें सम्मिलित होंगे, समिति कैसा गठन होगा, ये सब चीज़ें नहीं था। उनको अज्ञानता थी, उनको इसके बारे में पता नहीं था। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत आ रही थी, क्यों सुयाल जी? बिल्कुल है ना, तो उनका गर्म होना भी लाजमी था। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा ना उनका थोड़ा सा हमारे हमको बोलना भी थोड़ा लाजमी था, और हमने उसको दूर किया है। उनकी जो भी परेशानियाँ थी, उनकी जो भी परेशानियाँ थी साथियों, वो हमने दूर करी हैं। और सुयाल जी अच्छा लगा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा परेशानी हुई। हाँ, बहुत गाँव का आपसी मॉडरेशन के द्वारा थोड़ा सा बैठक हंगामेदार हो गई। हाँ, और धीरे धीरे हमने बात को तो जो है उसको बात रखी गई, पहले सुनना चाहिए बस, है ना, उनकी सुन लो फिर अपनी बोलो, तो तब थोड़ा सा मामला शांत हुआ। और बहुत अच्छा अच्छे लोग हैं ये नौसिन के, और आई होप आगे जो ये समिति का निर्माण करेगी वो भी बहुत अच्छी समिति होगी और जल जीवन मिशन को बहुत अच्छे धरातल पर काम करेगी। तो फिलहाल सुयाल जी अब हम कहाँ चलना है बताओ भाई? फिलहाल तो हम चल रहे हैं मेरे गांव ग्राम सिराई में, द्वारिखाल ब्लॉक का जो है ये डाडा मंडी क्षेत्र का नज़दीका गांव, मेरा गांव सिराई है। और मेरे साथी दीपराज जो आपको जो है ये पहुंचा रहे हैं ये कोरदार मावा कोट की। तो चलते चलते हैं सिराई गांव में, और क्या बताएं तब सिराई गांव में कुछ आज कुछ नया खिलाओगे, आज क्या खिलाओगे? अच्छा हाँ, एक और चीज़ देखो, नौसीन वालों का देखो, वहाँ की जो आशा है और जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने हमको क्या दिया? सब्जी, चचिंडा, सब्जियाँ, चचिंडा, ये सब दिए। तो एक अपना प्यार था इन लोगों का। तो चलिए साथियों अब चलते हैं आगे। और सुयाल जी देखो ये पानी बिल्कुल बह रहा है, निरंतर बह रहा है, और कोई उपयोग नहीं है इसका, है ना। इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं जल जीवन मिशन में ना, क्यों इसको संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भी कुछ सोचना चाहिए। हाँ थोड़ा जो गांव में रहते हैं ना कुछ लोग, देखो सुयाल जी खाल चाल का निर्माण होता है हमेशा ऊपर, खंतियों का निर्माण ऊपर होना चाहिए कि जो कि जिससे कि जो है कि नीचे का भूजल जो है कि बढ़े, है ना। पर खंतियों का निर्माण कहाँ कर रहे हैं, ये नीचे कर रहे हैं। तो चलिए ये भी है सुंदर सा एक नज़ारा, देख सकते हैं आप, पानी पानी है। और ये हमारी बाइक, और अब हम अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। ये खेत हमारे हैं, देखिए साथियों ये आप एक जानवर देख रहे होंगे, जंगली हिरन। ये थोड़ा सा जूम करने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये है यहाँ का, इसको हम यहाँ पहाड़ी भाषा में कहते हैं काखड़। ये देखो कितना सुंदर जानवर है। वैसे सुयाल जी क्या अच्छा सीन चल रहा है, अगर यहाँ पर लोग खेती करते ना ये नीचे वाली जमीन में तो अच्छा था। नहीं करते नहीं, पहले खेती थी सब, जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो सब खेती थी। अच्छा ये रोड पूरी खेती थी? हाँ पूरी ये खेती, और
सुयाल जी मैं यहाँ से कह रहा था, मेरा एक दोस्त ना ये जो ये यात्री सेट है ना यहाँ से, ये जो ऊपर एक गाँव है तो वहाँ का है वो अमित काला, वहाँ का है अमित काला, अमित वहाँ गया था भाई अमित काला, वैसे ही परिवार रहता है वहाँ काला काला का, हाँ परिवार रहता है। और अब ये आ गया है डाडा मंडी मार्केट, ये डाडा मंडी का गेट और इधर जाना है सिराई गांव। तो अब हम पहुंच गए हैं सुयाल जी के गांव के नीचे, और ये सुयाल जी का, ये सुयाल जी का जो है कि यहाँ पर स्टैंड है, और यात्री सेट नहीं बनाया इन लोगों ने, यात्री सेट बनाते तो बहुत अच्छा होता। और ऊपर ये गांव है सुयाल जी का, तो अब हम जाने वाले हैं सुयाल जी के घर में। क्यों सुयाल जी? बिल्कुल। तो चलो एक बार बंद कर दो इस ब्लॉग को, आप ही बंद कर दो। बिल्कुल। और दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्क्रीन पर आप मुझे भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस समय हम जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेड़गांव और नौसिन गांव करके आए, और इस समय दीपक और मैं मेरे गांव सिराय में पहुंच चुके हैं, और यहां पर ये पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा थकान लग गई है बाइक यहीं पर। और यहां पर कम से कम अभी मेरा घर जो है दो फलांग दूर है यहाँ से, अब दीपक जी हमको पैदल ही चलना होगा। अच्छा बंद करो, बंद आखिरी में जो व्लॉग एंड करते हैं कैसे बोलते हैं, टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं यार। तो ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए जगह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये होती है पद यात्रा यहाँ से शुरू, और यहाँ से जाएंगे और सीधा इस के पीछे सुयाल जी का गाँव है, ऊपर पंचायत घर, और ऊपर ये सिराई गांव का पंचायत घर, विकासखंड द्वारीखाल।